मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की नीयत में खोट है। जब पहले 13 दिन लगातार धरना चला, इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर जो कर्मचारी यहाँ पे बैठे थे, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम जब स्ट्राइक पे बैठे हैं तो लोगों के काम रुके हुए हैं। वो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसान हो चाहे और कोई बनने हो, लेकिन सरकार ने ऐसी मजबूरी कर दी कि सरकार ने वायदा किया कि आप आइए, हम आपसे बात करेंगे और आपको ग्रेड वाइज करेंगे। सरकार ने बुला लिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने तो भी वादा किया था कि हम 1-1-16 से आपको देंगे ग्रेड। ठीक है, हमने सोचा भी 32,100 की बात हो गई और 2016 से देने की बात हो गई, लेकिन सरकार ने 2016 से लेकर के आज तक जो पटवारी कानून है उन किसी को भी ग्रेड नहीं दिया। केवल ये बात कहते हुए कि FD के अंदर आपका केस है, FD कहती है कि ये स्केल हम नहीं दे सकते। क्या मुख्यमंत्री बड़ा है या FD बड़ी है? मुख्यमंत्री के अंडर ही है FD। तो अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक दिन बुला करके नोटिस जारी कर दे उनको। अब मुझे नहीं पता भाई, इनको 32,100 का ग्रेड देना है तो देना है। सरकार कानून बनाती है तो क्या सरकार ग्रेड में 19-20 नहीं कर सकती? लेकिन ये जो FD का डिपार्टमेंट की बात चल रही है, ये एक बहाना है। 6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, 6 महीने के दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को अपने पास बुलाया नहीं बात करने के लिए। आज भी कोई मैसेज नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, 3 दिन लगातार बीत गए। इसका मतलब सरकार के कानों में जू नहीं रह रही। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारा इम्तिहान ना ले। क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि कर्मचारियों को बुला के बात करके फैसला किया जाए, ताकि जो जमींदार लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी हल हो सके? तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार तुरंत बुलाए और जो वादा करे तो उस वादे को पूरा करे। धन्यवाद। जिला प्रधान काउत जज्जर, मैं यहाँ जो कानून को पटवार एसोसिएशन का जो धरना चला हुआ है उसको पूर्णतया समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं अपनी टीम के साथ, और हमारी इच्छा है कि जो इनकी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, वरना जो आगामी रणनीति होगी उसमें काउज जज्जर ही नहीं, पूरी की पूरी काउज हरियाणा जो क्लरिकल एसोसिएशन है, पूरी की पूरी हरियाणा इनके साथ है तन मन और धन से। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जो भी ये रणनीति बनाएंगे उनके साथ हम जो है पूर्णतया हम इनके साथ समर्थन में खड़े होंगे। हमारी जो मांगे हैं वो सरकार स्तर की हैं और प्रशासन लेवल की हमारी कोई मांगे नहीं है। वो हमारी मांगे हरियाणा सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री मोदी की ओर से जो मांगी गई थी उन्हें लागू करने के लिए हमारा सांकेतिक धरना चला हुआ है, जिसका आज 3रा दिन है। अभी तक किसी प्रकार का कोई निमंत्रण हमें नहीं मिला। हमारी वार्ता हुई है, निरंतर हम संपर्क में हैं उनके, हमारे जो प्रदेश स्तरीय जो कार्यकारिणी है उनके निरंतर संपर्क में है। हरियाणा सरकार की ओर से या किसी आधारिक रूप से किसी प्रकार की कोई निमंत्रण भी अब तक नहीं मिला है। आगे का फैसला राजा कार्यकारिणी का होने पर आज 3 बजे तक आगामी कार्यक्रम के लिए घोषित कर दिया जाएगा।